पर सर मैं अल्लाह ताला से ना कभी 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 नहीं हमेशा मैं माफ़ी भी मांगता हूँ कि अल्लाह मियाँ लफ्ज़ों के हेर फेर को पकड़ ना करें, मेरी नीयत जो है वो अच्छी है, लोगों का अदब भी रखना होता है, बात समझाना भी होता है। मुश्किल होता है वाकई किसी को तबलीग करना, सही बात बताना, किसी का मसला सुन के। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह जी ने जो बल्लगून रिसालत अल्लाह, वो लोग जिनकी अल्लाह ताला ने अपने पैगामात पहुंचाने की ज़िम्मेदारी लगाई है, उनकी खसूसियात ये बयान फरमाई हैं कि वो सिवाय अल्लाह से के किसी से नहीं डरते। आए तो लिहाजा एक तो ये है कि अगर हम हक की बात कर रही हैं और करना चाहते हैं तो फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मामला खुदा के साथ है, मखलूक खुदा की इस्लाह का है। अंबिया जो इस मिशन के लिए मबऊस किए गए, उनको पत्थर खाना पड़े, जख्मी हुए, भूखे रहे, हिजरतें की, मछली के पेटों में गए, कहाँ का क्या, कुछ कैसी नहीं, कैसी आजमाइशों से वो गुजरे, लेकिन हरफ शिकायत से वहाँ पे नहीं था। आए आए हाय, आपको अगर आप इजाज़त दें तो। और अगर कहीं मतलब ऐसी बात आई भी है तो उसकी नस्बत भी सुभाना का ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक अपनी तरफ से दी। खुदा तो फिर भी रहमान और रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो है ना, ये फकीह आदमी थे। जी हाँ, अब्दुल्ला बिन उमर माशाल्लाह फकीह आदमी थे। तो इनके पास बहुत से गुलाम थे, जंगों में पकड़े हुए बहुत से खादिम, ये वो। ये जिस भी खादिम को, मैं गुलाम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, जिस भी खादिम को देखते थे ना कि ये अच्छे तरीके से नमाज पढ़ रहा है, यानी कि सुन्नत पे है, ठहर के, हाँ हमारी तरह नहीं, खटाखट खटाखट नहीं, सब्र के साथ पूरी नमाज पढ़ रहा है, पूरा वजू किया, अगर इनको तस्दीक हो जाती थी ना ऐसा, तो वो उसको आज़ाद कर देते थे। अच्छा, कुछ ऐसे भी मेरी तरह के क्लेवर लोग होंगे ना जो जान के इंतज़ार करते थे कि अब्दुल्ला बिन उमर वहाँ से गुजरें, मुझे वज़ू करता देखें, मेरी पूरी बाकायदा अच्छी अच्छी वाली नमाज देखें और मुझे आज़ाद करें, और वो कर देते थे। तो कुछ लोगों ने कहा कमाल बात है, मैं ये रवायत जब आप रावी कर रहा हूँ तो रवायत जो है ये इमाम अली के खादिम ने की है, हज़रत कंबर ने। तो कह क्या यार खुदा की कसम, एक कम हज़रत कंबर के भी अभी आपको एक रवायत सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये लोग तो आपको दिखावे के लिए नमाज़ें पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है। तो उन्होंने कहा फिर भी इनको आज़ाद कर देते हैं। उन्होंने कहा जो अल्लाह के नाम पे मुझे धोखा देता है मैं वो धोखा खा लेता हूँ। हाय 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 हाय, क्या बात है, जो मुझे अल्लाह के नाम पे धोखा देता है मैं वो धोखा खा लेता हूँ। देखो कोशिश तो कर रहा है खा जैसे, देखे ना मैं चंद चीज़ें ऐसी, इस्लाम में दिखावा हराम है और रियाकारी जो आमाल को बातिल करने का बायस भी बनती है, लेकिन हर काम में नहीं, हर काम में नमाज जमात दिखावा नहीं तो और क्या है क्या? आए। जी आप हज पे जाते हैं दिखावा है कि नहीं है? ज़कात के लिए क्यों कुरान करीम का वाज़ह हुक्म मौजूद है कि वहाँ जो मौजूद लोग हों उनको भी दो और फिर उसके हक में दुआ भी करो ताकि उसका दिल नरम हो जाए, लोगों के दिलों में शौक पैदा हो। तबलीग है ये भी। तबलीग है, यानी तो कुछ उमूर ऐसे हैं जो दिखावे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जी, और मुतलकन वो हराम नहीं है। मामला इंसान का खुदा के साथ होता है। तो सवाल ये है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वाक़िए करबला के बाद अगर उन हालात व वाक़ियात को देखा जाए तो चंद चीज़ों पे उन्हें ख़ुसूसी तवज्जो दी। सबसे पहले तो ज़ैनुल आबिदीन उनका लक़ब है, इबादत गुजारों की ज़ीनत, ज़्यादा सजदे करने वाले, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले, लेकिन माहौल और हालात को सामने रख के इंसान फिर देखे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वाक़िए करबला, बाज़ार शाम, बाज़ार कूफा, फूफियों बहनों के साथ करे, बहुत छोटी उम्र में थे, नहीं उस वक्त वही तेज जवान थे ना, तेज जवान थे उस वक्त, ये सारा कुछ देख के इन तमाम मराहल से गुजर के वो वाक़िए करबला के जिसको देख कर आज भी इंसानों के आंसू नहीं थमते, वो देख रहे हमने हैवानों को आंसू बहाते हुए देखा ये वाक़िया सुन के, उसमें फिर अपने मिशन को सामने रखना ये अजमत है। क्या बात है जी, अजमत। अब मिशन में किस चीज़ को मुकदम रखा, सबसे पहले तालीम और तरबियत को, उसको नहीं छोड़ा, नामी ग्रामी शगिर्द पैदा की। दूसरी बात गुलामों को आज़ाद करवाया जी, इसको आज़ाद कर दो, इसको आज़ाद कर दो, इसको आज़ाद। तीसरा अपनी मईशत को मजबूत किया, ये नहीं है कि फ़कीर भूखे नंगे बन के बैठ गए, और उसके लिए दो सोर्स इस्तेमाल किए, तिजारत और ज़िरात। खजूरों के बागात काश्त करवाए, उससे जो आमदनी आती थी अहलो अयाल पे भी खर्च करते, फ़ुकरा को भी आज़ाद करते,
और इसके साथ साथ अपने बाबा के गम में जो वसीयत फरमाई थी कि शेर व शायरी मरसिया नोहा मनकबत, एक अदबी इस किस्म का अदब ईजाद किया, उनको इनामात से नवाजा करते थे ताकि शौक पैदा हो, और फिर उसके साथ साथ दुआ की तरफ रागिब किया और दुआ के हथियार को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। दुआ सिलाहुल अंबिया के दुआ जो अंबिया का हथियार है, सहीफा सजादिया आपके सामने मौजूद है, उसमें जिस चीज़ का बार बार तकरार किया है वो है दुरूद शरीफ का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और क्यों तकरार किया, अब फिर आइए कि वाकया करबला के बाद मदीना का माहौल क्या है, वाकया हर्रा हो चुका है, मस्जिद नबी बर्बाद हो चुकी है, इन हालात में भी मोहम्मद आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ के बार बार यजीदियत को और यजीद को यह पैगाम दिया था, तू जितना जुल्म करना है कर ले, अगर इस कायनात में कोई दरूद व सलाम के लायक है तो हम मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं भी इसमें एक कॉलर ले लूँ, आपको एक वाकया अर्ज़ करता हूँ। जो आपने कहा ना कि वो तसनीफ़ को, अदब को, मरसिए को, इसको प्रमोट करते थे, सहाबा इसको कैसे प्रमोट करते थे, अर्ज करता हूँ आपसे, पहले कॉलर से बात कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा सर, मुझे जो है अपनी खाला के लिए पूछना था सर, उनका नाम है सईदा, उनकी मदर का नाम है इमाम। सर उनको ना एक आय की जो है वो नजर चली गई थी, बचपन में कोई चोट वगैरह लगी थी तो डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं रहेंगी ज्यादा ना आई उनकी, तो वो चली गई। अब उनकी जो दूसरी आय थी सर, उनको सिर्फ उससे जो है नजर पड़ती थी, एक ही थी, और सर उसको जो आई साइड उनकी थोड़ी वीक थी, तो उनके भाई ने उनको ना इलाज के लिए मुल्तान वगैरह लेके गए, उनको इलाज कराया, तो उनकी ना लेंस ट्रांसप्लांट कराया गया सर। वो उसकी लेंस ट्रांसप्लांट की वजह से उनको कोई इन्फेक्शन ऐसा हो गया आई में कि वो ना उनको रोज इंजेक्शन लगने लगी आईज में, आई तो सर अब उनकी ना आई का जो पर्दा था वो बिल्कुल फट गया, बिल्कुल खत्म हो गया। बेटा इसका लेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसका लेंस से तो कोई ताल्लुक नहीं है सर, उनको नजर चली गई है, अब वो 7-8 महीने हो गए हैं, वो देख नहीं पा रही हैं, दोनों आईज उनकी नहीं है सही। ये जो आप फरमा रही है ना लेंस, ये तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये जो आप फरमा रही है कि इन्फेक्शन हुआ, ये बुनियादी तौर पे इन्फेक्शन नहीं है, ये जो पर्दा होता है ना पीछे की, जिसको कि आई डाइल्यूट करके डॉक्टर हमेशा देखता है, इसमें पानी पड़ा है उनके, उनको भी पता है इस बात का, ये इन्फेक्शन वाली बात नहीं है, उस पर इंजेक्शन लगा के उन्होंने पानी कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन इस बीमारी का बुनियादी तौर पे कोई हल नहीं है। इसको रोका जा सकता था लेकिन वो नहीं रुका, ये उनका मुकद्दर है, लेकिन वंस इट इज़ डैमेज्ड इसके ऊपर कोई रिवर्स नहीं होता है। सो ये बात जो है वो उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। इसमें हमारे रेटना के बहुत काबिल डॉक्टर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, आई रियली वंडर कि वो केस मिसहैंडल क्यों हुआ है। अगली बात मेरा बेटा। सर वो एक वो है लेडी है, उनका नाम है सर गुलाम फातिमा। हाँ। सर औलाद नहीं है उनको, 8 साल हो गए हैं शादी को। गुलाम फातिमा के शौहर का क्या नाम है? वासिफ। दोनों के मेडिकल टेस्ट क्या कहते हैं? सर वो तो नहीं हमने पूछा बेटा, ये उनको बताना है, पूछना नहीं, उनको बताना है कि वो मेडिकल इंटरवेंशन करवाएंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर। ठीक है, और इन दोनों को कहना कि वो आयते करीमा पढ़ते रहें, मेडिकल इंटरवेंशन ज़रूर कराएं लेकिन आयते करीमा पढ़ते रहें। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चे। ये जो मिस हैंडलिंग है ना, ये मैल प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, ये मैल प्रैक्टिस पहले हम सोचा करते थे और सुना करते थे कि ये सिर्फ जो है ये वो लोग करते हैं जो कि अनपढ़ होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अब मैल प्रैक्टिस की डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल बदल गई है। इसलिए कानून साजी भी है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जब किसी किस्म की ऐसी हमाकत करते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, प्रोफेशनली नहीं करनी चाहिए, वो भी मैल प्रैक्टिसेस में ही आता है। मुल्तान के अंदर अगर आप रेशो देखें ना, जो कंप्लेंट्स आते हैं पंजाब के अंदर, तो मुल्तान उन शहरों में से है जहां सबसे ज़्यादा कंप्लेंट डॉक्टर्स के खिलाफ आते हैं। वेरी वेरी सैड, वेरी सैड, लेकिन ये हर जगह होता है। हजूर अकदस, ये जो मैल प्रैक्टिस है, आप अपने मैल प्रैक्टिस उलमा भी करते हैं, माफ़ी के साथ अपने मेंबर का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने बयानात का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल्स भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, सारों पे क्रॉस द बोर्ड फतवा लगना चाहिए ना कि ये जुल्म है, ये नहीं करना चाहिए। देखो जुल्म भी है, खयानत भी है। खयानत है, ये अपने मिशन के साथ है। खुदा ने अगर आप नेमत अता फरमाई है तो ये कुफरान नेमत भी है। ये बहुत अच्छी बात है।